एटीएम का ऑफेंस हुआ, एटीएम कार्ड का एक विष्णु बोल के जो मायलाजपल्ली में रहता, वो जनरली हर एक के पास बैंक अकाउंट रहता, एटीएम कार्ड भी रहता, तो एटीएम नंबर भी रहता, वो एटीएम कार्ड लेके अपन जो भी ज़रूरत है तो एक दिन हफ्ते में एक बार दो बार एटीएम का एटीएम को जाके अपन पैसे ड्रा करते रहते। तो 25 तारीख के दिन विष्णु बोल के जो आदमी हो, जो स्मॉल बिजनेस मैन है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो एटीएम आंध्रा बैंक एटीएम को गए 25 तारीख के दिन दोपहर में पैसे ड्रा करने के। शायद वो टेक्निकल डिफिकल्टी कुछ हुआ, कुछ नंबर उन्होंने बराबर फीड नहीं करे तो न पैसे बाहर नहीं आ रहे। तो बाजू एक कुमार यादव बोल के एक्यूज्ड है, उन्हें भी वहीं था, तो देखा कि न अनपढ़ जैसा है, इसको लीड बराबर फीड नंबर फीड करना नहीं आ रहा, ड्रा करना बोल के देख लिया, मैं असिस्ट कर तुम बोल के ड्रा करा, देखे 5000 रुपये उसका एटीएम देखे इसको दे दिया, उनका एटीएम ले लिया, देखे 5000 रुपये दे दिया उसको, उन्हें कुछ पैसे आ गए मेरे को बोल के उन्होंने वहाँ से चले गए। वो जाने के बाद फिर वही यूज़ कर लेके वही एटीएम कार्ड नंबर पिन नंबर भी है उसमें, वो देख लेके उन्होंने पैसे ड्रा करते शुरू चले गया और दुकानों को चले गया, कपड़े खरीदा, गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा और कपड़े खरीदा, एक टेलीविज़न भी खरीदा, ऐसा जाते जाते पूरा पैसे एक ही दिन जब 25 तारीख से शुरू हो गया तो हमारे कंप्लेंट आए तक 3,70,000 रुपये कैश भी ड्रा हो गया और आइटम्स भी चले गए, शॉपिंग भी हो गया कार्ड के हिसाब से। तो कंप्लेंट आया हमारे पास, तो इंस्पेक्टर नरसिम्हा साहब कंप्लेंट ले लिए, एक चीटिंग केस रजिस्टर करे और हमारे क्राइम सब इंस्पेक्टर कुमार साहब को इन्वेस्टिगेशन दिए, ये टीम उनको ले लेके एटीएम सेंटर चेक करे, वो कहाँ कहाँ बैंक से स्टेटमेंट ले लिए, कहाँ कहाँ से परचेजेस हुआ, कहाँ कहाँ से पैसे विड्रा करे, वो पूरा बैंक वालों से डाटा भी कलेक्ट करे, जो जो दुकान में परचेज हुआ दुकान में गए वहाँ फुटेज भी चेक करे, तो वो मुजरिम का उसमें फोटो आ गया, क्लू मिल गया उसमें। मेट्रो के पास भी गए, वहाँ टेलीविज़न भी खरीदे वो भी देखे, तो थोड़ा क्लू आ गया उसमें, क्लू आके वो ट्रैक करते हुए मुद्दे अक्यूज़ को पकड़ लिए। उसके बाद से कैश जितना भी कैश ड्रा कर से बचा हुआ है 2,10,000 रुपये कैश रिजर्व करे और जो जो सामान जो उन्हें परचेस करा ये एटीएम कार्ड से तो वो भी पूरा रिकवर करे, टोटल 3,70,000 का वर्थ गया, तो पूरा पैसे भी रिकवर करे और कैश भी रिकवर करे, कपड़े भी रिकवर, जो आइटम जो है वो भी रिकवर करे और अक्यूज़ को हम रिमांड भी भिजा रहे। हम और भी इन्वेस्टिगेट करने वाले क्या उन्हें, ये तो ये पहली बार करे सर का नहीं दिख रहा कि प्रीवियस हिस्ट्री बराबर रहेगा, इतना परफेक्शन से करा तो समझते ही पक्का पुराना इन्वॉल्वमेंट या पुराने केसेस पक्का रहेंगे इसमें, तो हम फर्दर पुलिस कस्टडी लेके इसका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये केस करे नए इंस्पेक्टर साहब, नए नरसिम्हा साहब, नए सर्कल साहब है मायलाजपल्ली के, सत्य साहब के पास चार्ज लिए आए तो नेगेटिव केस हुआ, तो हमारे क्राइम टीम को हैंड ओवर करके अच्छा इन्वेस्टिगेट करके ये केस को 3 दिन के अंदर मुजरिम को आइडेंटिफाई करके और टैग करें जो मुजरिम भाग रहा था पकड़ लिए, कैश सीज करे, कपड़े सीज करे और आइटम भी सीज करे, तो जो अच्छा इन्वेस्टिगेशन करे। कुमार साहब हमारे एसआई क्राइम्स मायलाजपल्ली को एक रिवार्ड रोल दे बोल के, रिवार्ड कैश रिवार्ड दे बोल के हम कमिश्नर साहब को उनको रिक्वेजिशन भिजा रहे आज और मुजरिम को कोर्ट में पेश करके फर्दर कस्टडी पुलिस कस्टडी लेके इन्वेस्टिगेट करेंगे। पब्लिक से गुजारिश ये है, पब्लिक का हमारा इन्फॉर्मेशन ये है कि एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर नहीं लिखना कभी भी, या आपने फ़ोन पे ले लेना या नहीं तो कुछ डेयरी में लिख के जेब में लगा लेना, एटीएम कार्ड पे कभी नहीं लिखना। एक बार एटीएम अपन भी गए तो जितना पढ़ा लगा भी रहें तो टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो पैसे नहीं निकलते, तो वो जाके अपन अपने बाजू लाइन रहता एटीएम के पास, अपने बाजू लगा रहते हैं, मैं निकाल के दे तुम बोल के बोलते, तो ऐसा कभी नहीं देना किसको, तुमको नहीं निकला सीधा चले आना, अपना एटीएम कार्ड दूसरे को कभी नहीं देना बाजू वाले को, ये बाजू दिए से उन्हें निकाल के दे तुम बोला, उन्हें पैसे 5000 दे दिया, एक्सचेंज कर लिया एटीएम कार्ड को, तो पूरा ऑफेंस हो गया। नहीं मिलता तो पूरे 4,00,000 रुपये कैश था अकाउंट में, वो पूरे जाते थे इसमें, तो प्रिवेंट करने के लिए ना अपन एटीएम कार्ड नंबर ना किसी को नहीं देना, बैंक अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना, अपना पिन कोड नंबर किसी को नहीं देना, ये अपनी प्रिकॉशन अपन लेना सो दैट अपन ये ऐसे ऑफेंसेस को अपन रोक सकते हैं। पब्लिक से गुजारिश ये है कि अपना एटीएम नंबर किसी को नहीं देना, फोन पे पूछते रहते तब आपका लेटर आया, आपका इनकम टैक्स अमाउंट रिटर्न करना बोल के अकाउंट नंबर पूछते और पिन नंबर आप पूछते, तो अपन कभी नहीं देना नंबर सब, सीक्रेट नंबर किसी को नहीं देना अपन, सीक्रेट अपन या फ़ोन में फीड कर लेना या नहीं तो डेयरी में लिख के लगा लेना। ये कोरोना का पीरियड है तो और एक गुजारिश ये है सर, सोशल डिस्टेंसिंग जो वैसे मेंटेन के 2 महीने 3 महीने तक यही चलना, इसको दवा नहीं निकला अभी तो इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करना, आदमी को नहीं लगना जैसा अपन लग रहे
से नहीं लगना, ये थोड़ा दूर लगे तो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं, अपन कोरोना को अपन भगा सकते हैं। तो बोल के अपना मन्नू यादव बनना।